कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या हुआ भैया? देव और सोना के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेचारे बच्चों ने कितने मन से प्लानिंग की थी, तुझे समझाना चाहिए था उन्हें। भैया आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं सबसे खुश हो गई? मैंने आपके सामने देव से कहा था कि उसे जाना चाहिए, कहा था ना। अब देव ऐसा ही है, नेहा की शादी खतरे में है तो देव अपनी शादी की खुशियां मनाने नहीं जाएगा। एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया। मामा जी, माँ सही कह रही, और देव भी अभी टिकट्स कैंसिल करवाए, और हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं जाएंगे, और अगर हमें जाना है तो हम बाद में भी तो जा सकते हैं ना। अभी मुझे माँ का बीपी चेक करना है। नेहा दी, भैया भाभी का लगेज लेके कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। भाभी, नेहा, माँ, नेहा, तू क्यों उठ रही है? तू आराम कर, मैं देखता हूँ। मामा जी, नेहा ने मुझे आवाज दिया, मैं देखती हूँ। माँ आप ये रुकिए, मैं भी देखता हूँ, चलो। अरे दी, आप कर क्या रहे हो? दी प्लीज रुक जाओ, चुप करोगे तुम दोनों 2 मिनट के लिए? भैया भाभी, क्या हो गया नेहा, क्यों चिल्ला रही है? तुझे पता है ना माँ की तबीयत खराब है, ये सामान लेके कहाँ जा रही है? मैं यहाँ से कुछ नहीं ले जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप लोग हनीमून पे चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसका इल्जाम मेरे सर पर आए। क्या बोल रही है तू ये? आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं, और रही बात मेरी शादी की, वो मेरा डिसीजन था और मैं अकेली उसे भुगत सकती हूँ। आप दोनों को मेरा हाथ पकड़ कर मेरा मुश्किल सफर पार नहीं कराना पड़ेगा, मुझे किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। क्या बातें कर रही है तू, क्यों पागलों वाली बातें कर रही है? अभी भी मैं ही आपको पागल लग रही हूँ क्या? नेहा बेटा, नेहा बेटा, देख अभी तू गुस्से में है, अभी चल बैठ कर बात करते हैं। अच्छा आप चुप रहिए जी, बैठ कर ना सिर्फ तमाशा देखा जाता है। नेहा बेटा, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा तुझसे? बोल ना। मुंह पे तो कोई नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे सब बातें करते हैं। चुप क्यों खड़ी है भाभी, अब बोलती क्यों नहीं कुछ? मैंने क्या किया? यही कि आपको ये लगता है कि मेरी वजह से आप लोगों का हनीमून कैंसिल हो गया, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पापा जी को भी यही लगता है ना? I'm sorry, नेहा, पर मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपने कानों से सुना। नेहा तुम गलत समझ रही हो, बाबा सिर्फ यही कह रहे थे कि देव और मैं हम हनीमून के लिए जा सकते थे, क्योंकि घर पे तो इतने सारे लोग हैं माँ का ख्याल रखने के लिए, लेकिन मैंने खुद तो राम, यही होना बाकी था बस। इसका मतलब यहाँ कोई हालचाल पूछने नहीं आया था, अब समझ में आ रहा है मेरी, तुम दोनों को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम दोनों अपना हनीमून मनाने। राधा रानी, बंद कर अपनी बकवास। आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। बेटा चुप हो जा। नेहा, माँ की तबीयत खराब है और हम यहाँ पे ये तमाशा कर रहे, तुझे और माँ को ऐसी हालत में छोड़ के बाहर जा सकता हूँ? खुश रहूंगा मैं? इतनी सिंपल सी बात है और तेरी समझ में नहीं आ रही, कब से कुछ भी बोले जा रही। और आपकी बीवी जो बोल रही है वो सब कुछ सही है ना? अपने बाबा को बोलती है मेरी शादी में प्रॉब्लम है, क्यों क्यों किसी बाहर वाले को ये बात बता रही है वो? नेहा, उस टाइम सब कुछ इतना जल्दी हुआ और मैं बाबा को अलग से समझा भी नहीं पाई। तुम गलत मत समझो। चुप कर जा पंगालन, जब से तू इस घर में आई। जी नेहा, मैं आप दोनों को ये बात आखिरी बार क्लियर कर रहा हूँ, क्या हनीमून पे इसलिए नहीं गए क्योंकि माँ की तबीयत खराब है? नेहा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। अगर सिर्फ यही वजह है तो फिर तो आपको हनीमून पे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि माँ का और इस परिवार का ख्याल मैं अच्छे से रख सकती हूँ। बचपन से आदत है मुझे आपके बिना ये सब करने की, तब भी किया था और अब भी कर लूंगी, यहाँ किसी को दुखी बैठने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा, मैं इस वजह से दुखी नहीं हूँ कि हम हनीमून पे नहीं हैं, जाने ना जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 10-12 दिन की छुट्टी इससे ज्यादा जरूरी तो देवर मेरे लिए ये फैमिली है, आप सब लोग हैं, और जब हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है तो हम कहीं और कैसे जा सकते? आई होप ये बात सबकी समझ में आ गई है, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होनी चाहिए।
9 बज गए, मेरी लेट हो गई। आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? और ये स्टुपिड अलार्म, आप सोते हुए इतनी क्यूट लग रही थी, मन ही नहीं किया उठाने का। और ये स्टुपिड अलार्म मेरे ही हाथों बंद हुआ। अरे हटिए ना, वैसे भी आधा दिन ऐसे ही वेस्ट हो गया और आधा दिन आपकी बोरिंग बातों में वैसे ही वेस्ट होगा। Are you sure, Miss Bose, कि मैं बोरिंग हूँ? It's Mrs. Dixit for you. और आप बोरिंग हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लेट तो जरूर हूँ। आपको पता है कितना काम है नीचे? हेलो मैम, आपके यहाँ आने से पहले भी इस घर में सारे काम होते थे, पर इस घर में आते ही आपको सारे काम करने की क्या जरूरत है? किचू भैया पार्ट टू बनने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, बन जाओ की चुभैया पार्ट टू। ऐसे बाय द वे थैंक्स। यू वेलकम मिस्टर दीक्षित, लेकिन थैंक्स किस लिए? नेहा के साथ सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया तुमने। नेहा ने गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन तुमने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया और शांत रही। वाओ, अब अपनी ही फैमिली की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरे को थैंक यू कहेंगे? तुम मत कहो, मैं तो कहूँगा। मैं ऐसा ही हस्बैंड। वैसे एक और बात, मैं नहीं चाहता कि तुम घर पे रह के घर की हर छोटी छोटी स्ट्रेस लो। मुझे मेरी पुरानी वाली सोनाक्षी वापस चाहिए, डॉक्टर बोस। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से काम ज्वाइन करो। बड़े कंफ्यूजिंग है आप। कभी आपको ऑफिस वाली सोनाक्षी पसंद है, तो कभी आपको फैमिली वाली सोनाक्षी पसंद है। आप एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए। पसंद तो मुझे दोनों है, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों को अच्छे से बैलेंस कर लो। एक्चुअली मैं भी सोच रही थी कि काम ज्वाइन कर लो, और इस बारे में मैंने माँ से भी बात की, लेकिन अब सोच रही हूँ कि थोड़े दिनों बाद ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं अपनी नई फैमिली को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और अपनी फैमिली को समझने के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी क्या करना है पता? क्या? मुझे समझना, वो भी करीब से। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कहाँ जा रही है मिस प्यार के? It's Mrs. Dixit for you. ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। डॉक्टर भाभी। लो आगे आपके आइडल। आई कीचु भैया। माँ माँ, मैं कर लेती हूँ ना? नहीं ठीक है, मैं कर लूंगी। सोनाक्षी माँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। किस बारे में माँ? जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। तो क्या हुआ? पहले सोचा था, अब नहीं सोच रहे, बात खत्म। हम आपके साथ ही आए, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? दीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है, मैंने आटा गूंदना सीख लिया, दो। माँ आप इतना सोचते हो इसलिए आपकी तबीयत पर असर पड़ता है। आपको अकेले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे प्रॉब्लम्स हो या खुशियाँ, हम सब मिलकर शेयर करेंगे। हम अगर जाते ना तो एंजॉय कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम आपके और नेहा के बारे में सोचते रहते। और मुझे तो लगता है कि लोग भी इस आटे की तरह होते, सूखा अलग, लेकिन जब उसमें पानी डाला जाता है ना तो सब एक हो जाते हैं, जैसे हमारी फैमिली। और हम सब एक दूसरे की दर्द तभी समझेंगे ना जब साथ होंगे। और मैं अपने फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। भले ही मामी जी मुझे बंगालन कहती रहती है, लेकिन मैं तो बंगाली हूँ ना, और साथ में सोनाक्षी दीक्षित। तो इसीलिए मुझ पर भी इतनी जिम्मेदारी है जितना आप पे और देव पे है, है ना माँ? देखिए माँ, ठीक है ना? यस मिस्टर दीक्षित। आप इतनी धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हैं? ओके, कहाँ? गार्डन में?
लेकिन वो किसके लिए? ओके, मैं लाती हूँ। देव, देव, आप यहाँ क्या कर रहे हो? घास काटने हैं। ऑफ कोर्स तुमसे मिलने हैं, वो भी दीवार खुद के। की बौका तुम्हें, घर का दरवाजा तो खुला ही था। फिर तुम्ही सपोज स्कूल में मेरे कुछ दोस्त थे, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने ऐसे चोरी चोरी चुपके चुपके जाते थे दीवार कूद के। हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। फर्स्टली ये पोएट वाली इमेज आपको सूट नहीं करती, और दूसरी बात ये है कि मुझे पता है कि ये पुराने गाने का चीज ही लाइन है। फाइन, ये मेरी लिखी हुई लाइन नहीं है, लेकिन इमोशन तो सेम, इमोशन को समझो। ना ही आप स्कूल में हैं और ना ही मैं आपकी गर्लफ्रेंड, मैं आपकी बीवी हूँ जिसे आपने कॉल करके ये बाम मंगवाया। अब बताइए ये बाम किस लिए? तो दीवार से कूद के आया ना, तो मेरे पैर में चोट आ गई है। क्या दिखाइए, अब क्या करते थे, बैठ जाइए। ये एकदम बुद्धू रहा, तुम्हारे दिमाग छुट्टी करो। आप हेलो मैडम, आपके पति को चोट लगी है और आप हंस रही हैं और उस पे चिल्ला रही हैं। आपको तो प्राउड फील करना चाहिए, इंप्रेस होना चाहिए। इंप्रेस तो मैं हूँ, लेकिन ये फनी है। ओके अब भी फनी लग रहा है? इज इट स्टिल फनी? बहुत फनी। एक प्लेट और लगा जी। अरे तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है, बुखार तो नहीं हुआ तुझे? मम्मी यार कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। अरे जब कुछ नहीं है तो फिर इस वक्त घर क्यों आया है? वो क्या है कि मुझ में और देव में बहुत फर्क है। देव मालिक होकर पूरे दिन मजदूरी करता रहता है, लेकिन मुझे मालिक बनना आता है। खाने की याद आई तो आ गया, और वैसे भी बॉस को अगर ऑफिस वाले ज्यादा दिन देखे तो उसे हल्के में लेने लग जाते हैं। देव को पता चल गया तो? देव को तो ऑफिस में कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ जो उसने ये जासूस छोड़ रखी है ना। कौन जासूस? अरे वही यार, आपकी प्यारी सी वो बंगाल। हाँ, सो तो है, पर आप चिंता मत करो मम्मी, विकी उसको भी लाइन पे ले आएगा। अरे तेरी दवाई। पता नहीं मैंने क्या पुण्य किया पिछले जन्म में जो आप जैसा भाई और देव जैसा बेटा मिला है, और सोनाक्षी जैसी बहू। ईश्वरी मैं तेरी दवाई बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज माफ कर दे, बोल गया था। सोनाक्षी ने याद दिलाया, ले पी ले। तुझे याद है तूने मुझे क्या कहा था? क्या कहा था? तूने कहा था मुझसे के भैया अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं तुझे जोर से डांटूं। मैं तुझे डांटना नहीं चाहता, इसलिए पहले से बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया भैया? नहीं, कुछ किया नहीं, जो नहीं किया उसकी बात कर रहा हूँ। भैया साफ साफ बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सोनाक्षी देख, सोनाक्षी इस परिवार का हिस्सा है, तेरे परिवार का हिस्सा है। हाँ तो मैंने कब मना किया है भैया? सोनाक्षी अच्छी लड़की है, मेरे देव की पत्नी है वो। मैं कसम से उसका हमेशा भला ही चाहती हूँ, तो मैंने क्या? यही तो, वो अच्छी लड़की है, तू उसका भला चाहती है, वो देव की पत्नी है, लेकिन क्या तू उसे अपनी बहू मान पाई है? उसे अपने दिल में जगह दी है? देख कचोरी, झूठ मत बोलना, तेरी आंखें चुगली कर देंगी।
भैया भैया सच कहूं तो सोनाक्षी सच में एक इतनी अच्छी लड़की है कि मेरे मन में हमेशा एक डर सा रहता है। लगता है देव कहीं सोनाक्षी के साथ इस नए रिश्ते के प्रवाह में बह न जाए और बाकी हम सब किनारे न रह जाए। इस नए रिश्ते में अपने आप को खोकर देव कहीं उसकी जिम्मेदारियां भूल तो नहीं जाएगा। भैया देव पर बुढ़ापे का सहारा है, मेरी छोड़िए, अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करना है उसे। भैया बस मैं इतना चाहती हूँ कि देव इस परिवार को जोड़े रखे। परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी देव की नहीं, तेरी है ईश्वरी, तेरी है। जब तक तू सोनाक्षी को मन से इस परिवार का हिस्सा नहीं बनाएगी, हम सब कैसे जोड़ेंगे? भैया तू देव की पत्नी को घर लाई ईश्वरी, लेकिन अपनी बहू को जगह नहीं दी घर में। उसके लिए जगह बना। जब तक अपने दिल में उसको जगह नहीं देगी, वो बेचारी चाहकर भी इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। वो हमसे अलग नहीं है ईश्वरी, अपनी है वो, हम सबको अपना बना चुकी है। अब बारी तेरी है। माँ, मैं आपको अपने कमरे में ढूंढ रही थी। क्यों बेटा, कुछ चाहिए था? हाँ, बहुत ही जरूरी चीज। क्या? आपकी परमिशन। किस लिए? आपने पहले मुझे कभी करने नहीं दिया ना, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी न्यूट्रिशनिस्ट थी, पर अब मैं उसे ज्यादा भी हूँ ना। हाँ बेटा बिल्कुल। तो जैसे आपने सिखाया, आपके लिए और आपके साथ ऐसी छोटी छोटी चीजें करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हक भी, तो परमिशन मिलेगी? बेटा रहने दो ना। माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हें अच्छा लगेगा तो। सोनाक्षी, सच में तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है। हाथ लगते ही दर्द खुलने जैसा लगता है। आपको भी ऐसा लगता है? बाबा भी ऐसे ही कहते थे। मैं उनकी नेक की मालिश करती थी ना, क्योंकि दिन भर वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे और पढ़ने के बाद फिर नेक में स्टिफनेस हो जाती थी। सोनाक्षी, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि तुम और देव जाने। आप फिर से इसी बारे में सोच रही हो? आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है माँ, हमने जो किया अपने लिए किया। ठीक है, अब से नहीं कहूंगी। माँ, आपने नेहा से बात की? नहीं, मुझे नहीं लगता वो अब भी बात करने के लिए तैयार है। हमसे नहीं तो रणवीर से बात कर ली थी। मतलब रणवीर नेहा को बार बार फोन करते हैं। मैंने देखा उस दिन कि रणवीर ने कॉल किया था नेहा के फोन पे, लेकिन नेहा ने उठाया नहीं। ये पति पत्नी का रिश्ता भी कितना अनोखा होता है। खुद चाहे एक दूसरे से कुछ भी कह ले, पर बाहर से कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए तो मैं भी इस वक्त उससे कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन माँ, हमें नेहा को समझाना होगा ना। नेहा को समझाना आसान काम नहीं है बेटा। इस मामले में ना देव और नेहा बिल्कुल एक जैसे हैं। एक बात मन में ठान ली, मतलब बस ठान ली। जिद के मामले में तो नेहा देव की छोटी नहीं, बड़ी बहन है। निकी, तुझे मैं पढ़ते हुए तो कभी नहीं देखती, पर नंबर बड़े अच्छे ले आई। वो क्या है ना मामी, पहले ना मुझे सोना दी ने पढ़ाया, फिर एलिना दी ने, और वैसे भी मैं तो पैदा इंटेलिजेंट हुई थी, इसलिए मुझे पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ खैर बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहना, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। जी जी, आगे क्यों नहीं बढ़ेगी भला, आप ही की बेटी है और एक आपकी बहू है कहाँ वो फिर से मायके जाके बैठ गई है क्या? वो कुछ जरूरत का सामान लेने बाजार तक गई है, अभी तक यही थी। भैया,
इतनी अच्छी मालिश करी है, बस मेरा सारा दर्द मिट गया है ना। अच्छी बहू, क्या कहा था मैंने? माँ जी, रणवीर जिया जी आए हैं। रणवीर, माँ देखिए कौन आए हैं। मार्केट में मिले थे तो घर लेके आए। नेहा, मैं तुमसे कुछ। नेहा, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।